हमें याद रखना है, राजनीति सामान्य मानवी की सेवा करने और उनकी समस्या सुलझाने का माध्यम है। इसलिए राजनीति में हमारा एजेंडा, हमारा मकसद हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, सेवा भाव से भरा होना चाहिए। लेकिन यहां तेलंगाना में जिन लोगों को सत्ता मिली, उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी, आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में, तो लोग मुझे पूछते हैं, थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं, और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों बहनों, जो दिन रात मुझे गाली देते हैं, बड़ी नई नई गालियां खोजते रहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर आप मोदी को कितनी ही गालियां दीजिए, हम हजम कर जाएंगे। भाजपा को गाली दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। लेकिन अगर तेलंगाना के लोगों को गाली दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहां के लोगों के सपनों से खिलवाड़ किया तो मुकाबला बहुत रंगीन हो जाएगा, समझ। भाइयों बहनों, मोदी और भाजपा को गाली देने से अगर तेलंगाना का भला होता है तो देते रहिए, अगर यहां के लोगों की सुख सुविधा बढ़ती है देते रहिए, ईज ऑफ लिविंग होता है देते रहिए। मोदी और भाजपा को गाली देकर अगर तेलंगाना के किसान समृद्ध होते हैं तो जरूर दीजिए गाली। आज तेलंगाना के किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, आप खुद इस बात के साक्षी है कि यहां के हल्दी किसानों को सरकार ने किस हाल छोड़ दिया है। अब इस बात के साक्षी है यहां विकास के रास्ते में किस तरह लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मैं आज तेलंगाना के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं, भाजपा तेलंगाना में पॉजिटिव एजेंडा के साथ आ रही है, हम मिलकर यहां विकास की नई गाथा लिखेंगे।